हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आए हैं आपके चैनल पे, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार हम आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाने वाले हैं, बीएससीबी क्लास 12 का हिंदी पढ़ाने वाले हैं। आज हम हिंदी के काव्य खंड से प्रथम पद जो है, प्रथम कविता जो है आपका करबक, उसको देखेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं कवि के बारे में। करबक इनके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। थोड़ा उनके बारे में हम जान लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 15वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। इसका मतलब कि 15 सदी जब समाप्त होने की ओर था तब इनका जन्म हुआ था। पूरा सटीक जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इसी तरह से अनुमान लगाया जाता है कि इनकी मृत्यु 1548 ईस्वी में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी के जायस नामक गांव में जन्मे थे, और जायस नामक गांव में जन्म लेने के कारण ही इनके नाम के पीछे जायसी शब्द लगा हुआ है। नहीं तो इनका नाम मलिक मोहम्मद होता, अब मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से हम जानते हैं। इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज था, जिनको कि हम मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जानते हैं। इनके गुरु थे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनका व्यवसाय वृत्ति के बारे में हम जानते हैं। आरंभ में अपने गांव में ही निवास स्थान में रहते हुए जायस में किसानी किए, बाद में शेष जीवन में फकीरी किए। बचपन में ही अनाथ हो गए थे, इनके माता पिता का निधन हो गया था। साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए इनका बचपन बीतता है। व्यक्तित्व, इनका जो पर्सनैलिटी था उसके बारे में हम जान लेते हैं। चेचक होने के कारण इनका चेहरा रूपहीन हो गया था और बाई आंख तथा कान से ये वंचित भी थे, मतलब एक आंख से कान थे और एक कान से भी इनको सुनाई कम देता था। स्वभाव से मृदुभाषी थे, मनस्वी थे और संत स्वभाव के थे। इनकी कृतियां जो रचनाएं हैं, पद्मावत, आपको बता दें कि ये जो आप करबक पढ़ने वाले हैं ये इनकी रचना पद्मावत का ही एक अंश है। तो इनकी कृतियाँ हैं पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है, मसला या मसलनामा है। मसलनामा का पूरा प्रति हम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया है, इस कुछ खंडित टुकड़ों में है। इसके अतिरिक्त भी चंपावत हो गया, होलीनामा हो गया, इतरावत हो गया आदि कृतियां इनके नाम से हैं। एक चीज आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर कहा जाता है और ये प्रेम मार्गी कवि हैं। आइए हम करबक की तरफ देखते हैं। दो करबक दिया गया है आपको पढ़ने के लिए, उन दोनों करबक को हम एक एक करके देखेंगे। कहते हैं कवि कि एक नयन कवि मोहम्मद गुणी सोई बिमोहा जय कवि सुनी, मतलब कि एक नयन कवि मोहम्मद गुणी, एक आंख का होते हुए भी जो कवि है अपने बारे में बात करते हैं कि एक आंख के होते हुए भी मैं गुणी हूँ, सोई बिमोहा जय कवि सुनी, जिन्होंने मुझे सुना है, जिन्होंने मेरी कविताओं को सुना है वो बिल्कुल मोहित हो गए हैं। आगे कहते हैं चांद जैसे जग विधि अवतारा, दिन है कलंक किन है उजियारा। कहते हैं कि जिस तरह से चांद को कलंकित करके इस सौरमंडल में भेजा गया है, लेकिन फिर भी वो पूरे दुनिया को, पूरी धरती को दीप्तिमान करता है, उसी तरह से मैं भले ही शारीरिक रूप से कलंकित हूँ, लेकिन मेरे जो गुण हैं ये लोगों को ज्ञान्वित करते रहेंगे, उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। जग सुधा एक ही नैनाहा, मैंने पूरे जग को एक ही नयन से देखा है, एक ही नेत्र से देखा है, समान रूप से देखा है। उबा सुख अस नक्तन माहा, जिस तरह से नक्षत्रों के बीच में शुक्र ग्रह की अलग चमक है, अलग पहचान है, उसी तरह से मेरी भी एक अलग पहचान है। आगे कहते हैं कि जौ लही अम्बही डाभ न होई, जब तक आम के मंजर में गुठली नहीं आ जाता है तो लही सुगंध बसाए न सोई, तब तक उसमें मिठास नहीं आता है, उसमें सुगंध नहीं आता है। मतलब आम में सुगंध आने के लिए जरूरी है उसके अंदर का जो कठोर भाग होता है आम का गुठली, उसका आना। आगे कहते हैं कि किन्न समुद्र पानी जो खारा, पानी का समुद्र का पानी खड़ा होने के कारण, नमकीन होने के कारण ही तो अति भयु असुज अपारा। आज वो असुज है, अपार है, हम उसको आसानी से पार नहीं कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, अगर सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से, शंकर भगवान के त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया होता, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा,
तब वह पूरी तरह से सोना का नहीं बन जाता, स्वर्ण नहीं बन जाता, मतलब कि उसमें स्वर्ण बनने के लिए, सोने जैसी चमक आने के लिए त्रिशूल से बिना सोना उसका जरूरी था। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, और जब तक सोने को गलाने वाले पात्र कलंकित नहीं होता है उसको हम गर्म नहीं करेंगे। कांच हो ही नहीं कंचन कड़ा, तब तक कच्चा सोना पक्के सोने के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। आगे देखिए कहते हैं क्या, एक नयन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव। कहते हैं कि एक नयन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, एक आंख का होते हुए भी उनकी जो आंख है वो बिल्कुल दर्पण की तरह स्वच्छ है। जिस तरह से दर्पण में हम निर्मल तस्वीर देखते हैं, उसी तरह से ये भी निर्मल तस्वीर लोगों की निर्मल छवि को देखते हैं। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाओ, और जितने भी रूपवंत लोग हैं, क्योंकि ये चर्चा के कारण कुरूप हो गए थे, तो कहते हैं जितने ही रूपवंत लोग हैं वो बड़ी चाव से बड़ी जोश से मेरी कविताओं को सुनते हैं, मेरे मुख को निहारते हैं और मेरे आगे अपना सर नतमस्तक होते हैं। देखिए अब हम करवक दो की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीरगा पावा। कहते हैं कि मोहम्मद अपने आप को कहते हैं कि मैं जो हूँ ना अपने कविताओं को रच रच कर सुनाता हूँ, और जो भी मेरी कविताओं को सुनता है वो मेरी कविताओं के प्रेम के पीर में बंध जाता है, प्रेम के मोह में बंध जाता है। जोड़ी लाई रकत के लई, मैंने इन कविताओं के अपने रक्त से सींचा है, अपने रक्त को लई बनाकर गोंद बनाकर अपनी कविताओं को रचा है। गाढ़ी प्रीति नयन जल भई, और जिसने भी इसको पढ़ा है वो इतने प्रीत से लोटपोट हो गया है कि उसके आंख से आंसू बहने लगे हैं। ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहते जग मह चिन्हा। कहते कि देखिए आप कुछ भी कीजिए, आपके जो कर्म है वही इस धरती पर रहते हैं, आपके कर्म को ही पहचाना जाता है, वही चिन्ह के रूप में रहता है। जिस तरह से इनकी पहचान थी कविता लिखने की, लोगों को कविता के द्वारा ज्ञान देने की, तो इनकी पहचान यही रहेगी और इनके जाने के बाद तक इसी कारण ये जाने जाएंगे। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा। कहते हैं कि कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, रतन सेन जो राजा थे अब वो कहाँ रह गए, उनकी तो मृत्यु कब का हो गई। कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा, और कहाँ उनको इस तरह का बुद्धि देने वाला उनका जो तोता था, शुक्र था, सुगा था, वो रह गया है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, और कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान अब रह गया है। कहाँ राघव जे किन्ह बखानु, और कहाँ वो राघव रह गए हैं जो कि इनको बखान कर करके, रानी पद्मावती के बारे में बखान कर करके इनको बताया करती थी। कह स्वरूप पद्मावती रानी, और कहाँ वो स्वरूप, कहाँ वो रूपवती पद्मावती महारानी भी रह गई हैं। कोई न रहा जग रही कहानी, इस जगत में कोई भी नहीं रह पाया है, अगर कुछ रहा है तो उनके कहानी रह गए हैं, उनके द्वारा किए गए कर्म रह गए हैं। आगे कहते हैं कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासू, वही पुरुष वही व्यक्ति धनी है जो अच्छे कर्म किए हों, जिसकी कीर्ति महान हो। फूल मरे पर मरे न बासु, जिस तरह से फूल मरने के बाद भी अपने सुगंध को नहीं छोड़ता है और जग को सुगंधित करते रहता है, उसी तरह से जो लोग अच्छे लोग होते हैं, जो लोग महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वो मरने के बाद भी जग को प्रभावित करते हैं, उनके वचनों से, उनके कर्मों से लोग प्रभावित होते हैं और जीवन को सरल बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल। आगे कवि कहते हैं कि इस जगत में न तो किसी ने जस को बेचा है और न ही कोई जस को खरीद पाया है। जस ऐसा चीज है जिसको हम पैसे के दम पर ना तो बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल, और जो मेरी कहानी को, जो मेरी किताबों को पढ़ेगा, जो मेरी कविताओं को पढ़ेगा, वो हमेशा दो बोल मेरे याद जरूर रखेगा, जो अच्छे बोल हैं उसको हमेशा याद रखेगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट कविता के साथ।